हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स पैरामीटर इज 240 मीटर एंड ब्रेथ इज 52 मीटर। इसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा जो भी पहले दिया हुआ होता है हमें पहले वो सब लिख लेना होता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में जो चीज लिखी रहती है हमें वो लिखना होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 240 मीटर, ब्रेथ क्या है 52 मीटर, लेंथ पता नहीं, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो गिवन होगा हमें उसका फॉर्मूला लगाना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b। पैरामीटर कितना है 240, 2 की जगह 2, l पता नहीं, l रहेगा, b की जगह हम लिखेंगे 52। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस वैल्यू को पुट कर दिया है फॉर्मूले में। अब यहाँ देखेंगे हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ रहता है, तो इसके साइड में पहले ये दोनों जो हैं वो ब्रैकेट में, इस चीज को अच्छे से समझेंगे, ये जो l प्लस 52 ब्रैकेट में है मैं इसको डायरेक्ट इधर लाके माइनस नहीं कर सकती हूँ। हम पहले जो मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के बाहर जो है हम पहले उसको लेके आते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू l प्लस 52 होगा। 2 से जब इसको कट करेंगे 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 0, 120 इज इक्वल टू l प्लस 52 आता है। अब यहाँ देखिएगा ये प्लस में अब माइनस में आएगा, तो 120 माइनस 52 इज इक्वल टू l, इसको हम माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 68 मीटर। क्वेश्चन वाली लाइन रिपीट की जाती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम अगर होती है स्टेटमेंट लिखने में तो हम आंसर को यहाँ पे नहीं हम छोड़ेंगे, हमें आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन में से देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 68 मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 100 मीटर एंड लेंथ इज 35 मीटर। हमें पहले क्वेश्चन में लेंथ पता करनी थी, अब यहाँ पे ब्रेथ करनी है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एल निकाला था, इसमें बी निकालना है। तो जो जो गिवन है हम पहले लिखेंगे, क्या है पैरामीटर इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 35 मीटर, ब्रेथ हमें पता करनी है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू 2l + b। अब यहाँ मैं बस वैल्यू पुट करेंगे, पैरामीटर 100 है, 2 की जगह 2, l 35 है और b यहाँ पे पता नहीं, तो b ही रहेगा। 100 सेम 35 तो इधर आ नहीं सकता, हम पहले 2 को लेके आएंगे। 100 बाय 2 इज इक्वल टू 35 प्लस बी 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी, 35 इधर आ जाएगा, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 35 इधर आ गया, 50 माइनस 35 इज इक्वल टू बी, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 15, 15 इज इक्वल टू बी, इसको हम बी इज इक्वल टू 15 आराम से कर देंगे, विच इज इन मीटर। तो ब्रेथ क्या आई 15 मीटर। क्वेश्चन की लाइन अब देखेंगे क्या है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 मीटर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन आसान बहुत है,
बट बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे गलत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 3 times इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इस लाइन को देखिएगा, यहाँ पे तो हमें दे रखा है पैरामीटर, क्लियर है। लेंथ जो है 3 times है उसके ब्रेथ की, तो ब्रेथ जो भी होगी लेंथ उसकी ट्रिपल होगी। ब्रेथ अगर 5 है तो 5 × 3 = 15 हमारी लेंथ होगी। ब्रेथ अगर रेक्टेंगल की 10 है तो लेंथ होगी 10 × 3 = 30। तो बेटा हमें तो यहाँ पे नहीं पता कि ब्रेथ क्या है और लेंथ क्या है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे एक्स। हम अगर ब्रेथ को एक्स ले लें तो लेंथ क्या होगा, 3 × x = 3x लिखेंगे। जो जो गिवन है हम वो लिखेंगे। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं ब्रेथ की 3 times 3 times है लेंथ। रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी, लेट द एक्स सेंटीमीटर, देन लेंथ क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। यही तो बोला था ना कि लेंथ जो है वो 3 times है ब्रेथ की, तो लेंथ जो है 3 times हो गई ब्रेथ की। अब फॉर्मूला हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का और इन वैल्यू को उसमें प्लेस करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b। बेटा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आप लोग हर क्वेश्चन में फुल फॉर्मूला तरीके से लिखिएगा। वैल्यू प्लेस करिए, पैरामीटर 200 है, 2l = 3x और b = x। 200 / 2 = 3 और 1 = 4x। हम जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 100, 100 = 4x। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 / 4 = x 25, तो x = 25 आ गया। अब लेंथ और ब्रेथ क्या थी देखिएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3x, लेंथ 3x थी। इस लाइन को अच्छे से देखिएगा, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दी और ऐसे क्यों हो गया, तो इसको जरा गौर से देखिए। यहाँ जो हमने लेट करा है ब्रेथ को एक्स और लेंथ को 3x, मैं बस वही लिख रही हूँ, बस मैंने यहाँ लेंथ पहले लिख दी और ब्रेथ बाद में लिखी है। लेंथ 3x है और ब्रेथ जो हमने लेट करी थी वो x थी। अब यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है, 3 × 25 और यहाँ ऑलरेडी 25 ही आएगा, x का मल्टीपल कुछ नहीं है। 25 × 3 = 75 और ये 25 है ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बेटा ये जो लाइन होगी ना आपके क्वेश्चन की, ये जो लेंथ और ब्रेथ के रिलेशन की लाइन है, इस पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। मैंने एक्स लेट करा है, आप वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखेंगे, अभी हमने रेक्टेंगल के करे थे, अभी स्क्वायर का है। अ स्क्वायर हैज अ पैरामीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पैरामीटर गिवन है, हमें साइड निकालनी है। स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला हमने करा हुआ है, जो हमें गिवन है वो हम लिखते हैं पहले। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू पता नहीं, जो गिवन है फॉर्मूला उसी का लगेगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। पैरामीटर क्या है, 24, पैरामीटर की जगह लिख दिया 4 × साइड की वैल्यू पता नहीं, साइड यहां देखिए मल्टीपल में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो साइड क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या साइड
ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. दोनों ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन वाली ही लाइन कॉपी करिएगा, द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.